स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओके स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? लुक हियर, लेट्स से दिस इज ए एंड दैट इज बी, देयर टू वेक्टर्स हियर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, angle between them is theta. So what is the formula? Let's say you want to multiply two vectors a dot b. Dot use karenge hamesha dhyan rakhna. Magnitude of a, magnitude of b, cos theta. ये होता है इसका formula. तो multiply जब करते हैं ना तो cos theta आता है. Magnitude of a, magnitude of b, cos theta. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो अगर वर्ड्स में लिखेंगे तुम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर बी मतलब वैल्यू देखेंगे हम दोनों की, into cos theta. This is a formula. Okay. Now, theta jo hai, of course, wo angle between vector A and B hai. Theta is the angle between vector A and B. So, listen carefully. Jaise main example leta hun. Jaise aapne class 10 mein work done ka formula padha hoga. Actually, wo incomplete formula hota hai. Aap log hamesha class 10 mein formula padhte hain. वर्क डन इज फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं एक्चुअली वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एस, कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लुकियर सपोज देयर इज अ टॉय कार्ड हियर, लेट्स से यहां छोटा सा टॉय कार्ड लेता हूं और यू आर पुलिंग दिस विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड इट इज गोइंग स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री. तो व्हाट इज द वर्क डन? द वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. तो एफ एस कॉस थीटा क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा रखेंगे तो वैल्यू ऑफ एफ इज 10, S is 5, cos theta, cos 30 degree, cos 30 degree कितना हो जाएगा? Root 3 by 2, so that is 50 into root 3 by 2, that is equal to 25 root 3 joule. तो हमेशा ध्यान रखना है इसका complete formula जो होता है work done का, force into displacement नहीं होता है, वो तो कैसे समझाया जाता है? पूरा formula होता है force into displacement cos theta. क्योंकि आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ी नहीं होती इसलिए वो इग्नोर नहीं करते हैं. वहां पर हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट? हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट समझ में आया आप लोग को? जस्ट कॉपी डाउन फास्ट, तो लेट मी एक्सप्लेन इट मोर.
Okay. Okay, now boys and girls, there are more way of reading this formula. Let's say can you scroll everything down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, see here, the magnitude of A, magnitude of B, cos theta. This is a formula. Theta is the angle between A and B. Aur dono vector co-initial honge, tabhi aap angle nikal paenge. Okay. Now, there are two ways of reading it. Just see here, let's say this is let's say this is vector A and here it is vector B. Okay, I'm taking one more diagram. This is A and this is B. Like this way, this is A and B. So this is vector A, here it is vector B. Again, this is B and A. Okay. Achha, angle between them is theta. आपको मैंने बताया था जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है cos. Draw perpendicular here. ठीक है, तो what you will get cos theta here. आपको मालूम है cos theta क्या होता है, तो this will get cos theta here. तो ये क्या हो जाएगा, b cos theta. जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, b cos theta. ऐसे कर सकते हैं ना, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, cos. तो इधर आ जाता है b cos theta. ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स भी कर सकते हैं हम. चलो शक्ल इसको देखो, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, a डॉट b, समझने की कोशिश करो, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b cos थीटा. तो b cos थीटा को एक सिंगल टर्म बना लो, तो a इंटू b cos थीटा. इसका मतलब अब ये किसका, मतलब दिस डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग इट. इसको पढ़ने का दूसरा तरीका, तो पढ़ने का दूसरा तरीका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अब बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग इट. वो बी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग इट. तो बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग इट. आर यू गेटिंग दिस वन, या फिर दूसरा तरीका भी पढ़ने का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, दिस इज प्रोजेक्शन. शेडो, बी का शेडो इसके ऊपर गिर रहा है, शेडो समझ रहे ना, उसके ऊपर शेडो गिर रहा है, शेड है वो. तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो दे डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग इट. देखो फॉर्मूला तो वही है, वैल्यू ऑफ बी कॉस थीटा, लेकिन उसको पढ़ने के तरीके बहुत से अलग अलग हो जाते हैं. यू कैन रीड लाइक दिस वे, और इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं. अच्छा ये रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लो यहां पे जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, कॉस. तो इधर क्या आ जाएगा, आपको ए को ब्रेक करते हैं, ए इधर है, थीटा इधर है, तो इधर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा, तो आप फिर से लिखते हैं ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी कॉस थीटा. एक काम करो, कॉस थीटा को ए के साथ में लिख लेते हैं. अब ये प्रोजेक्शन हो जाएगा ए ऑन बी. इसको कैसे पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और दूसरा को बी को क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी.
यहाँ पे दूसरा तरीका हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए, ए का शेडो उसके ऊपर गिर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आर यू गेटिंग हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग इट? ये पढ़ने का तरीका होता है, मतलब यू शुड नो दीज वर्ड्स। मतलब ऐसा ना हो कि अगर एग्जाम में उसने कंपोनेंट बोल दिया तो आप समझ नहीं पा रहे हो कंपोनेंट क्या होता है, उसने प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर लिया तो आप समझ में आ जाए वर्ड इज प्रोजेक्शन। बी कॉस थीटा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ए कॉस थीटा तो बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ? सर बी कॉस थीटा इज डिस्टेंस हो गया ना वो? हाँ, लेकिन उससे प्रोजेक्शन गिर रहा है ना उसका कंपोनेंट। अगर ए बी को ब्रेक करेंगे तो बी कॉस, देखो बी को ब्रेक करेंगे तो कॉस इधर आएगा, साइन किधर आएगा? साइन विल कम दिस साइड, तो बी कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है? बी का, किसके ऊपर आ रहा है? ए के ऊपर आ रहा है। तो बी कॉस थीटा को हमने एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ बी, दिस इज अ कंपोनेंट। बी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं ना बेटा, दिस इज वन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाता है। तो आप बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, या बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा सेम हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, जैसे अब दिस टाइम ए का जो कंपोनेंट है वो बी के ऊपर आ रहा है, इधर एंगल होता है उधर कॉस और इधर आ जाएगा साइन, नियर अबाउट इधर साइन आ जाएगा ए साइन थीटा। तो बी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? बी के अलोंग कंपोनेंट जा रहा है ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो बी के अलोंग कंपोनेंट जा रहा है दैट इज ए कॉस थीटा। ओके, इसी तरह ए कॉस थीटा, तो आप देखिए ना फिर इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज हियर, इसका जो कंपोनेंट है ना ए का कंपोनेंट बी पे गिर रहा है, इधर क्या बी का कंपोनेंट ए पे गिर रहा है। तो एक तरीका हो गया पढ़ने का, तो अगर एग्जाम में कभी आएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए तो इसका मतलब बी कॉस थीटा की बात कर रहा हो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इसका मतलब ए कॉस थीटा की बात कर रहा है। Got it? Comprehend this one? हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? इस मतलब यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं, कंपोनेंट व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्शन।
ए डॉट बी, नहीं एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखो समझ में आया, सेकेंड लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Scalar product of a number by itself of a vector by itself, इसका मतलब हुआ a vector multiplied by itself, किसी vector को उसी से multiply कर दो, मतलब vector multiplied by itself, यही मतलब हुआ ना। A dot B, A dot B, अच्छा ये A है, अगर मैं A dot A करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ A, फॉर्मूला क्या था, A B cos theta, तो वैल्यू ऑफ A cos, एंगल कितना आएगा बेटा, दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल कितना आएगा, 0 degree, बिकॉज दे आर सेम, तो 0 degree आएगा ना, तो cos 0 degree is 1, तो a into a that is 1, that is a square, तो a square की वैल्यू क्या आ गई, a dot a, इसके मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, under root of a dot a, तो कहने का मतलब वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ तो a square हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। Are you understanding all the properties? समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Okay. Okay. Hello, sir. हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हैं आप? थर्ड नंबर का फिर से समझा रहे, अगर किसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम मतलब कोई वेक्टर है और वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज, अगर कोई दो वेक्टर सेम है और दोनों को इक्वल वेक्टर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो होगा क्या कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो ए डॉट ए, तो फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, तो ए और बी दोनों सेम है, ए इंटू ए, एंगल 0 degree बनेगा ना बेटा, दोनों सेम है तो एंगल विल बी 0 degree ना, तो cos 0 degree इज 1, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इज ए डॉट ए, cos 0 degree 1 हो जाएगा ना, cos 0 degree इज इक्वल टू 1, ओके। अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग चलते हैं, जैसे हम जैसे एक सपोज कर लो फोर्थ पॉइंट, आपने आई जे के पढ़ा हुआ है, दैट इज एक्स वाई जेड, यू शुड नो दैट ये होता आई कैप,
होता है जे कैप और इधर होता है जेड के कैप, ठीक है। तो दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये भी आपस में 90 में, ये भी 90 में और ये भी 90 में, समझा ना। अच्छा अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं सपोज, अच्छा आई जे सबकी वैल्यू क्या होती है, दे आर यूनिट वेक्टर, इनका मैप वैल्यू क्या होता है, आई जे के वन वन, इनका वैल्यू वन होता है, दे आर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि दैट इज हाँ, अगर मैं लेको फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, लेट से आई डॉट आई, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी कॉस थीटा, तो वैल्यू ऑफ आई डॉट क्या होगा, वन, वैल्यू ऑफ आई डॉट इज वन कॉस थीटा, कॉस कितना बनेगा, दोनों अगर आई और आई क्या, तो कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री इज वन, तो वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन, नाउ सेकेंड जे डॉट जे वैल्यू ऑफ जे इज वन, वैल्यू ऑफ जे और जे दोनों के देखें तो एंगल क्या बनेगा, जीरो डिग्री, दैट इज वन इंटू वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन। इसी तरह के डॉट के वैल्यू ऑफ वन वन कॉस जीरो डिग्री दैट इज इक्वल टू वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब आई डॉट, इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला बेटा, याद रखना कि सर ने बताया था कि आई डॉट आई मतलब एक्स एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस इंटू वाई एक्सिस इज इक्वल टू जेड एक्सिस इंटू जेड एक्सिस दैट इज इक्वल टू वन, वो हमेशा वन होनी चाहिए, इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी दिस फॉर्मूला, सर अगर हम लोगों ने अलग अलग वेक्टर्स की एक्स एक्सिस ली तभी भी सेम आएगा क्या रिजल्ट? सेम कैसे आएगा, फिर तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना बेटा, एंगल क्या बनेगा, फिर देखो अगर तुम अलग अलग लोग हैं तो ये आएगा, फिर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आई डॉट जे, वैल्यू ऑफ आई इज वन, वैल्यू ऑफ जे इज वन, आई और जे की यूनिट एंगल कितना बन रहा है फ्रॉम द डायग्राम, 90 डिग्री, 90 बनेगा बेटा, द कॉस 90 डिग्री इज जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, अगर आई डॉट जे जीरो होगा तो जे डॉट आई भी जीरो होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सिमिलरली अगर देखो अगर तुम एक्स एक्सिस सॉरी J dot K मतलब y axis into z axis तो 1 into 1 इनके बिटवीन एंगल 90 बनेगा, J और K मतलब ये I है बेटा, ये J और ये K है, देख लो जरा 90 बनेगा, cos 90 degree is again 0, the whole thing becomes 0 when it is multiplied by 0, that is K dot J. Similarly sixth one that is K dot I, that is value of k and I is 1, that is cos 90 degree, z axis or x axis angle 90 ban jayega, that is 0 is equal to I dot k, have you understood this one? Iska matlab I dot j, j dot j, k dot k is 1, rest all are 0. Yes sir. Okay, complete this one. Sir your screen is not visible. Screen visible nahi?
सर इट इज विजिबल नो सर इट इज विजिबल बेटा बाकी बच्चों को दिख रहा है काम करो ना दोबारा फिर से ज्वाइन करो ओके सर हाँ थोड़ा नेट का तुम्हारा प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा सर हाँ बेटा बोलो सर मैं ऐसे नहीं बोल रही थी मैंने बोला कि दो अलग अलग 3D डायग्राम्स लिए और फिर एक्स एक्सिस दोनों डायग्राम की मल्टीप्लाई की हाँ कर सकते हैं यही बताते हैं वेट यही बताते हैं वेट वंस यू कंप्लीट दिस इन्फॉर्म मी सो मैं आगे बताता हूँ इसको हाँ एक मिनट ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर सब अच्छा ऊपर के जो फॉर्मूले बताए थे एंगल मस्ट रिक्वायर्ड मतलब एंगल चाहिए ए बी कॉस कॉस थीटा ऐसा चाहिए ना ओके ए बी कॉस थीटा अगर सपोज कर लो तुम्हें कॉस थीटा नहीं मालूम तो थीटा ही नहीं मालूम देन व्हाट विल हैपन तब क्या करोगे तब उसका दूसरा तरीका है जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज करेंगे इसको यूज करेंगे जैसे ये लेट वेक्टर ए इज its x coordinate along x axis its y coordinate along y axis its z coordinate along z axis and another vector b having its x coordinate along x axis y coordinate along y axis and its z coordinate along z axis and you don't know the angle between them aapko angle nahi malum iske between to fir kaise multiply karoge to ye dekho aise multiply karenge see here a dot b Take both the brackets. AX I cap, Y coordinate, then Z coordinate. Similarly for B, X coordinate I cap, Y coordinate of B J cap, Z coordinate of B K cap. तो multiply कैसे करेंगे बेटा? देखो जरा ध्यान से. पहले हम इसको लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस वे 1, 2 and 3 समझा क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे देन कैसे ओपन करेंगे जैसे ये पहले फर्स्ट इसके फर्स्ट को लेके मल्टीप्लाई करो तीनों से ऑल थ्री तीनों से मल्टीप्लाई कर दो 1 by 1 ओके सो क्या होगा हम कैसे लिखेंगे ए एक्स इंटू बी एक्स इसका आई I डॉट I बीच में डॉट आ जाएगा ना I डॉट I फिर इसका I इसका J AX BY I डॉट J अब I को इसके K के साथ मल्टीप्लाई करो मतलब A का I और B का K तो कैसे लिखेंगे AX BZ I डॉट K यू गॉट दिस वन पहले समझ में आया ये Yes, sir.
okay, then just here, then अब हम क्या करेंगे ना, इसको लेंगे इस ये वाले को, और एक सेकेंड हम इसको लेंगे और दिस वन ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस, इनको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे जैसे ये प्लस, अब वाई कोऑर्डिनेट इसके बी के एक्स वाई जेड तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई डी जेड जे डॉट के, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले को ले लूंगा ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट आई तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे बी के, ए जेड बी एक्स के डॉट आई ए जेड बी वाई के डॉट के, नहीं के डॉट जे होगा, के डॉट जे इसका के इसका जे, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अच्छा अब ऊपर देखो हमने क्या बताया था, तुमको क्या सिखाया था, देखो जरा i डॉट i j डॉट j वन होता है, बाकी सब तो जीरो ही होता है ना, ऊपर बताया था ना i डॉट i j डॉट j k डॉट k वन होगा, बाकी सब जीरो। इसका मतलब क्या रह जाएगा हमारे पास, जैसे ये एक सेकेंड, तो सी दिस बिकम वन, दिस बिकम जीरो, दिस बिकम जीरो, हियर इट इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, तो कौन से क्या रह जाएगा, सिर्फ वन वाले रह जाएंगे, बाकी जीरो मल्टीप्लाई पे एनीथिंग इज जीरो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका वन है तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, इसका वाई रह जाएगा, प्लस ए जेड इसका जेड रह जाएगा, मतलब ये तीनों रह जाएंगे बेटा, एक ये रह जाएगा, एक ये रह जाएगा और एक ये रह जाएंगे, जिसका वन होगा उसी का रह जाएगा ना, ए जेड बी जेड दैट इज ए डॉट बी, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन। तो आप क्या कर, आप एग्जाम में इतना जल्दी नहीं करेंगे, आप एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट करोगे, ये जो मैंने फॉर्मुला निकाला है ना, ये अभी यूज दिस फॉर्मुला डायरेक्टली, नोटिस सॉल्व इट, वो तो मैं समझा रहा था कैसे आता है, एग्जाम में डायरेक्ट करना, उनके एक्स कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वाई कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जेड कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा मैं बताता हूँ, कॉपी ऑन दिस वन एंड लिंक इज गोइंग टू कंप्लीट आफ्टर वन मिनट, यू हैव टू जॉइन विद द सेम लिंक अगेन। कुछ बच्चे छूट जाते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हो, एक मिनट के बाद लिंक जाने वाली, ध्यान से सुनो, इस लिंक से दोबारा फिर से ज्वाइन करके आ जाना, ओके। कॉम्पिटेंस फॉर्मूला link is going to finish, join it again।